गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलीनोमियल सेकंड क्लास है आपका। आज हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो जीरोज एंड कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको दो टाइप्स हैं, ठीक है। तो फोर टाइप आप देख लीजिए। पहला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का मान लीजिए आपको कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया रहा है जिसमें वेरिएबल जो है एक्स स्क्वायर का कॉन्स्टेंट टर्म आपको सिर्फ वन हो, ठीक है। तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस टी इंटू एक्स माइनस क्यू, ठीक है। तो यहां हम इसको लेट कर लेंगे जहां जीरो पॉइंट आपका पी एन क्यू है। ठीक है, जिसमें हमारा पी और क्यू क्या है, इसका जीरो पॉइंट है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू क्यू माइनस क्यू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस पी एक्स माइनस माइनस प्लस पी इंटू क्यू। तो वेरिएबल्स में देखिए इक्वल में क्यू एक्स और पी एक्स सेम है, इसको एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, ठीक है, जो कि किसके बराबर हमारा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर। अब इसमें कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म, एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म के को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर भी सिंगल है और एक्स स्क्वायर इधर भी सिंगल है, दोनों साइड में प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर बी इसका तो क्या आपका हो गया माइनस पी प्लस क्यू, बीस कल तो हो गया हमारा माइनस पी प्लस क्यू, जो आपका कहलाता है कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स। अब इसके बता में कुछ नहीं है तो वन है, तो वन हमारा किसका आ रहा है, एक्स स्क्वायर का आ रहा है बाय